का जो मेरा शीर्षक है वो क्या है, अपने हृदय को परमेश्वर को समर्पण करना। डिवोट योर हार्ट टू गॉड, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए समर्पण करना। हमारा हम वचन भी दे देंगे आपके सामने, उसकी भाई को धन्यवाद उन्होंने लगा दिया, इसलिए हम ये वचन भी हम दे देंगे। मैं सबके लिए साफ तरीके से पढ़ूंगा, यहाँ पर लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य दिखाए। यहाँ पर बहुत साफ तरीके से परमेश्वर का वचन, यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोल रहा है, परमेश्वर उनकी ओर फिरता है जिनका निष्कपट है और उनकी सहायता में वे अपनी सामर्थ्य को क्या करता है, दिखाता है। अगर हम इसको हिब्रू भाषा में जो सच असली भाषा में जो लिखा गया है अगर हम उसको पढ़ेंगे तो उस भाषा में ये क्या बोलता है कि परमेश्वर गहराई के साथ में सामर्थ्य के साथ में वो क्या करता है, अपनी सामर्थ्य के साथ में क्या करता है, तुमको पकड़ता है और तुम्हारी क्या करता है, सहायता है ना। कैसे गहराई के साथ में पूरी सामर्थ्य के साथ में परमेश्वर आपके हाथ को पकड़ता है और क्या करता है, वो आपकी सहायता। लेकिन कब वो आपकी सहायता करता है, क्या कहता है, और उनका मन क्या है, निष्कपट। परमेश्वर मन के विषय में यहाँ पे बात कर रहा है ना। परमेश्वर क्या कह रहा है, जिनका मन निष्कपट होता है ना। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। और यहाँ पर हमें कुछ इस वचन के द्वारा हमें क्या सीखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर देखता है, परमेश्वर की आंख पृथ्वी पर क्या होती है, लगी रहती है ना। और परमेश्वर क्या करता है, ढूंढता है। अब शुरू में हमने क्या पढ़ा कि परमेश्वर की दृष्टि पृथ्वी पर फिरती रहती है और परमेश्वर क्या करता है, ढूंढता है ना। परमेश्वर क्या करता है, ढूंढता है। सब लोग बोलेंगे परमेश्वर क्या करता है, ढूंढता है। किसको ढूंढता है, किसको ढूंढता है, हमको ढूंढता है ना। परमेश्वर इसलिए नहीं ढूंढ रहा है कि वो आपको दंड दे ना, परमेश्वर इसलिए नहीं ढूंढ रहा है कि आपको नष्ट करे, बल्कि परमेश्वर क्यों ढूंढ रहा है कि वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा क्या करे, आपकी सहायता करे और आपकी क्या करे, मदद करे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ तरीके से कहता है ना। हमारे हमारे जीवन में ऐसा भी समय आएगा है ना, हम ऐसे समय को भी फेस करेंगे, हमारे जीवन में ऐसा भी समय आएगा जब हम परेशानियों को फेस करेंगे। हमारे जीवन में तरह तरह की परेशानियां आएंगी, तरह तरह की चिंताएं हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन एक चीज याद रखना कि परमेश्वर क्या करता है, आपसे प्रेम करता है। क्या करता है, अपने पड़ोसी की आंखों में डालकर बोले और बोले परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, एक दूसरे को देख के बोले परमेश्वर आपसे प्रेम करता है ना। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है। कब सहायता करता है, जब हमारा हृदय क्या होता है, निष्कपट होता है। हमारा हृदय क्या होता है, निष्कपट होता है। और परमेश्वर क्या करता है, हमारी सहायता करता है। हमारी सहायता क्यों करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है, महत्वपूर्ण, परमेश्वर के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए परमेश्वर हमारी क्या करता है, सहायता करता है और वो हमसे क्या करता है, प्रेम भी। इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए अपने पुत्र को दे दिया है ना। हम प्रभु यीशु के, ये यीशु मसीह ने हमारे पाप को क्षमा किया। अगर परमेश्वर के लिए आप महत्वपूर्ण नहीं होते, अगर परमेश्वर के लिए आप बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होते, तो परमेश्वर अपने बेटे को आपके लिए नहीं देता।
और ये वचन भी आपके लिए नहीं होता कि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, लेकिन वचन क्या कहता है कि परमेश्वर आपसे क्या करता है, प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी किया आपके लिए, कि आप परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। एक दूसरे को देखे, अपने पड़ोसी की आंख में देखे है ना, और उसको बोले कि आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। किसी के बगल में नहीं है तो पीछे भी बोल सकते, आपके पीछे पड़ोसी है। अगर आगे नहीं होगा ना, अगर आपके सामने पड़ोसी नहीं है तो पीछे वाले को बोल सकते हैं। परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर संसार में फिरता है और परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर इस चीज को लोगों के अंदर इसको देखता है, इस कपट चीज को परमेश्वर क्या करता है, लोगों में देखता है। जब यीशु मसीह इस संसार में थे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर हम जब मत्ती 15 अध्याय उसका 7 और 9 वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं। मत्ती 15 अध्याय उसका 7 और 9 वचन जब हम खोलते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी खत्म करूंगा। मत्ती 15 उसका 7-9 वचन, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है, ये लोग वोटों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं और मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या बोला, इनका मन क्या है, ये लोग होटो से तो मेरा आदर करते हैं, क्या करते हैं, होटो से तो मेरा क्या करते हैं, आदर करते हैं, होटो से मेरा क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो शरीर जो है, हमारा जो बॉडी है ना, अगर हमारे शरीर में अगर हृदय नहीं होगा तो उसका फायदा भी नहीं है ना। अगर आपके पूरे शरीर में, अगर जैसे कि मेरा शरीर है, मेरे मुंह में एक दांत नहीं है ना, दिख रहा है सबको, नहीं है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, अगर मेरा एक हाथ भी नहीं है लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ, जिंदा रह सकता हूँ। मेरी बॉडी का मटेरियल है, नॉर्मल चीज है, लेकिन अगर मेरे अंदर हृदय नहीं है, मेरे अंदर दिल नहीं है, तो मेरे शरीर का कोई फायदा नहीं। प्रभु यीशु ने क्या कहा कि होटो से तो मेरा क्या करते हैं, ये लोग आदर करते हैं, लेकिन ये लोग, इन लोग का मन मेरे से क्या है, दूर है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, परमेश्वर किसकी ओर फिरता है, इस कपट लोग की ओर फिरता है। एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मानो अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या आप अपने पड़ोसी के बारे में गलत सोच सकते हैं, नहीं सोचेंगे ना, क्यों, क्योंकि आपका हृदय किसके साथ में है, परमेश्वर के साथ में आपका हृदय क्या है, जुड़ा हुआ है ना। इसलिए जब हम मत्ती उसका 22 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोलते हैं, अपने परमेश्वर से क्या कर, अपने पूरे प्राण, अपनी पूरी शक्ति के साथ किससे कर, अपने परमेश्वर से क्या कर, प्रेम कर। प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है ना। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप अपने वचन को रोज पढ़ेंगे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो एक दूसरे का आप लोग क्या करेंगे, आदर करेंगे। मैं गलत बोल रहा तो आप बोल सकते हैं, देखा भाई भी गलत बोला, मैंने कुछ गलत कहा,
इसलिए यीशु ने क्या कहा, प्रेम, अपने संपूर्ण मन से, अपने संपूर्ण आत्मा से, अपने संपूर्ण प्राण से किससे प्रेम कर, परमेश्वर से प्रेम कर। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आपका प्रेम आपके पड़ोसियों के लिए, आपके परिवार के लिए और आपके बच्चे के लिए भी आपका प्रेम क्या हो जाएगा, क्या हो, घटेगा क्या होगा, बढ़ेगा। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तब ऐसा होगा। बीते दिनों में मैं अपने बारे में बताऊंगा, आप सोचेंगे थोड़ा बहुत ही अटपटा टाइप है। बीते समय में मैं परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे हृदय को कठोर कर दे। मैंने बोला प्रभु मेरे हृदय को फिरौन की तरह कठोर कर दे। मैंने ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना किया, सच में मैंने प्रार्थना किया। बीते पिछले साल में मैंने ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु मेरे हृदय को कठोर कर दे, मेरे हृदय को फिरौन की तरह कठोर कर दे, जैसे आपने फिरौन के हृदय को कठोर किया, है ना। मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे वचन के द्वारा बातें किया कि अगर तेरा हृदय कठोर होगा तू मुझसे प्रेम नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हैं ना। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सबसे महत्वपूर्ण क्या, आपका हृदय है। अगर हृदय में आप हृदय में प्रेम नहीं है तो क्या है, फायदा नहीं है। इसलिए यीशु ने लोगों से क्या कहा कि ये लोग मुंह से मेरा आदर करते हैं लेकिन हृदय से क्या करते हैं, मेरे से प्रेम नहीं करते। इनका हृदय मुझसे क्या है, मैं आपको उसके थोड़ा उसका बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब यीशु मसीह इन बातों के विषय में जब बात करता है तो क्या उस समय इसराइल में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, है ना, बलिदान चढ़ाते हैं, रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, व्यवस्था को मानते हैं, लेकिन फिर भी उनका हृदय कैसा है, कठोर है। उनका हृदय कैसा है, उनका हृदय किससे दूर है, परमेश्वर से दूर है ना। आप कितना भी वचन को जानते हो ना, अभी जिस व्यक्ति के विषय में हमने पढ़ा, जिस व्यक्ति के विषय में हमने पढ़ा, परमेश्वर वो वचन किससे बोलता है, आशा, आशा राजा, आशा एक राजा है, इसराइल का राजा है। जब वो छोटा होता है तो वो क्या करता है, परमेश्वर के साथ चिपका रहता है, क्या करता है, परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर की व्यवस्था को मानता है, लोगों को भी परमेश्वर की व्यवस्था को मानना सिखाता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो परमेश्वर की व्यवस्था से वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को आगे पढ़ेंगे, उसका विश्वास परमेश्वर के लिए बहुत मजबूत है। जब लोग उसके ऊपर हमला करने आते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, कहता है प्रभु तेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसको बचाता है। लेकिन जब वो बुढ़ापा, जब वो 36 साल से भी जब ज्यादा हो जाता है, जब बुढ़ापा उसके शरीर में आता है तो वो क्या करता है, परमेश्वर को भूल जाता है ना। आप ये मत सोचना कि मेरे जवानी से मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं, कर रही हूं, तो आगे भी होता रहेगा। जब तक आपका हृदय परमेश्वर के लिए संपूर्ण तरीके से परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं है, आप कभी भी गिर सकते हैं, है ना। अगर हम परमेश्वर के वचन में से अगर हम देखेंगे प्रोवर्ब्स नीति वचन, उसका 4 अध्याय और उसका 23 वचन जब हम पढ़ेंगे, थोड़ा वचन ज्यादा मैं बोलूंगा, थोड़ा वचन निकालना, अगर आप नहीं निकाल पाएंगे आप लिख सकते हैं, घर पे भी आप जाके पढ़ सकते हैं उसको। नीति वचन उसका 4 उसका 23 वचन, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। वचन में अभी जेकब भाई ने क्या पढ़ा, सबसे अधिक किसकी रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर। सबके पास मेरी आवाज आ रही है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कान से निकल के दूसरे कान से चला जाए, जब मैं बोल रहा हूँ कान से सुनता ना। वचन में क्या बोलता है, सबसे अधिक किसकी रक्षा कर, मन की रक्षा कर। तो क्या करेगा, आगे चलकर
जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल मूल स्रोत, स्रोत किसको बोलते हैं आपको पता है? स्रोत किसको बोलते हैं? जहाँ से शुरू होता है। और जहाँ से क्या होता है? शुरू होता है। उदाहरण के लिए एक नदी को हम ले लेंगे, अगर नदी का सोता, जहाँ से पानी आ रहा है, अगर सोता गंदा होगा तो क्या पानी साफ हो सकता है? और साधारण सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, अगर सोता गंदा होगा तो क्या पानी साफ हो सकता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सोता ही क्या है? सोता से गंदा पानी आ रहा है, तो पानी कैसे साफ हो सकता है? वैसे ही आपका हृदय है। इसलिए जो ये प्रोवर्ब को लिख रहा है वो क्या बोल रहा है कि अपने हृदय की क्या कर, क्या कर, रक्षा कर, तब क्या होगा? क्योंकि वो जीवन का वो क्या मूल मूल स्रोत है। मैंने शुरू में भी बोला, जब आपका हृदय परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, जब आपका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि इनका मन मुझसे अलग है, लेकिन अगर आपका मन परमेश्वर से लगा हुआ है, मतलब आप अपने मुख से अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करेंगे। किसी ने भी आप ही नहीं बोला। बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है, बिगल मुझे है ना। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जीवन का मूल स्रोत क्या है? आपका हृदय है। इसलिए अगर आप अपने हृदय को परमेश्वर को समर्पण नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा फिर? आपका पूरा शरीर दूषित है। क्या है? दूषित है, शुद्ध नहीं है। जब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं है, इसलिए क्या है, आपका पूरा शरीर भी क्या होगा? मैंने नहीं बोला, अभी हम नीति वचन में देख सकते हैं, है ना। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आपके जीवन का मूल स्रोत क्या है? आपके जीवन का मूल स्रोत क्या है? मैंने शुरू में भी बोला, हमारे जीव, हमारे शरीर तो, हमारा शरीर इतना वो नहीं है, लेकिन हमारा हृदय सबसे महत्वपूर्ण हमारे शरीर में है। इसलिए परमेश्वर का वचन हृदय के विषय में भी बात करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुलेमान के बारे में जब हम पढ़ते हैं, पहला राजा उसका 11 अध्याय और उसके 4 वचन में जब हम सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं, पहला राजा 11 अध्याय और 4 वचन, अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना रहा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन दाऊद, सॉरी सुलेमान के बारे में परमेश्वर का वचन साफ रीति से क्या बताता है कि सुलेमान का मन क्या हो गया? परमेश्वर से परमेश्वर उसका सुलेमान का मन क्या हुआ? पराए देवताओं की ओर बहक गया। इसकी ओर बहक गया। मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर ने सुलेमान से 2 बार बातें की। परमेश्वर ने सुलेमान को 2 बार दर्शन दिया। आप ये सोचें कि जिसने दर्शन को पाया, अभी हमने नीति वचन पढ़ा, सुलेमान ने 3000 से भी ज्यादा उसने नीति वचन लिखे हैं ना। एक किताब लिखना बहुत मुश्किल है ना। हमारे यहाँ पे कॉलेज में लोग जब दो एमपीएच करते हैं, जो मास्टर ऑफ थियोलॉजी करते हैं, उनको थीसिस लिखना पड़ता है एक बुक की तरह, उसको लिखने में उनको 2 साल लगता है ना। लेकिन सुलेमान ने 3000 से भी ज्यादा क्या उसने लिखा है? प्रोवर्ब्स लिखे हैं। अलग अलग चीजों के विषय में उसने क्या लिखा है? प्रोवर्ब्स लिखे हुए हैं, मतलब नीति वचन उसमें लिखे हुए हैं। उसको उसका मन क्या हो गया? परमेश्वर से बहक गया। क्यों उसका मन बहक गया? क्योंकि उसने अपने, जब उसके पास जो पैसा था, उसके पास जो सामर्थ्य थी, वो पावर थी, उसमें क्या वो बहक गया है ना। और उसका मन क्या है? परमेश्वर की ओर से हट गया।
इसकी ओर से हट गया, परमेश्वर की ओर से हट गया। इसलिए मैंने क्या बोला शुरू में, अपने हृदय को परमेश्वर को समर्पण करो, समर्पण करो। ये राजा इस राजा के बारे में हम पढ़ते हैं, पता नहीं स्वर्ग में मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं नहीं जानता इसके बारे में, ठीक है। लेकिन इसका मन परमेश्वर की ओर से हट गया। वहीं पर जब हम दूसरे पढ़ते हैं तो परमेश्वर उसके विषय में क्या बोलता है, उसके पिता के विषय में क्या बोलता है, दाऊद अपने अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा रहा। कौन पर दाऊद के बारे में लगा, सबने दाऊद के बारे में आशा करता हूँ ज्यादा लोगों ने पढ़ा होगा दाऊद के विषय में, है ना। दाऊद जो राजा इसराइल का सबसे पहला राजा था, है ना, इसराइल का पूरे इसराइल का राजा था। परमेश्वर उसके विषय में क्या बोलता है, जब हम बुक ऑफ एक्ट्स पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसका जब 22 वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर वहां पर दाऊद के, जैसे अभी हमने इसमें पढ़ा कि परमेश्वर की ओर दाऊद का पूरा मन था, किसके ओर मन था, दाऊद की ओर किसका मन, परमेश्वर की ओर किसका मन था, पूरे संपूर्ण, जैसे दाऊद परमेश्वर के पीछे चलता था वैसे क्या किया उसने, उसका बेटा कौन भी उसके पीछे चला, सुलेमान उसके पीछे नहीं चला, है ना। इसलिए परमेश्वर दाऊद के विषय में क्या बोलता है, पढ़ सकते हैं तो काम 13 उसका 22। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। परमेश्वर परमेश्वर खुद गवाही दे रहा है। जब हम पहला समूएल पढ़ेंगे तो पहले समूएल में दाऊद के विषय में लिखा है, वहां पे खुद परमेश्वर क्या बोलता है कि दाऊद कैसा है, मेरे मन का व्यक्ति है। कैसे व्यक्ति है, मेरे मन का व्यक्ति है। अगर आप दाऊद के विषय में अगर आप पढ़ेंगे, दाऊद व्यभिचार करने वाला व्यक्ति, हत्या करने वाला व्यक्ति, बना धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति था, अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको कैसे क्या बोलता है, ये कैसा मेरे मन का व्यक्ति है। क्यों बोलता है कि ये मेरे मन का व्यक्ति है, उसके मरने तक परमेश्वर उसके विषय में गवाही देता है ना। जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में, वचन कहता है कि उसने मरने तक पाप नहीं किया, है ना। क्यों, क्योंकि जब उसने पाप किया उसने पश्चाताप किया। क्या किया उसने, पश्चाताप किया। पश्चाताप आपके हृदय को परमेश्वर के साथ जोड़ता है। मैंने क्या बोला, पश्चाताप क्या करता है, आपके हृदय को किसके साथ जोड़ता है, परमेश्वर के साथ में जोड़ता है। इसलिए दाऊद के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर क्या बोलता है, ये मेरे मन का व्यक्ति है। क्यों मन का व्यक्ति है, उसने जब पाप किया उसने स्वीकार किया। जिसका मन परमेश्वर से नहीं लगा है, जिसका मन परमेश्वर से नहीं जुड़ा है, वो कभी अपने पाप को स्वीकार नहीं करेगा। मैंने शुरू में बोला, कोई अपने पड़ोसी को अगर कोई प्रेम करता है, परमेश्वर से प्रेम करता है, तो वो अपने पड़ोसी को गलत भी नहीं बोलेगा, है ना। अपने पड़ोसी को क्या बोलेगा, गलत भी नहीं बोलेगा, उस चीज के बारे में गलत नहीं सोचेगा, है ना। पड़ोसी के विषय में गलत नहीं सोचेगा अगर वो परमेश्वर से प्रेम करता है, है ना। इसलिए दाऊद के विषय में परमेश्वर कहता है कि ये मेरे मन का व्यक्ति है। क्यों, क्योंकि उसका हृदय किसके लिए समर्पित था, परमेश्वर के लिए समर्पित था। दाऊद का हृदय परमेश्वर को समर्पित था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका हृदय किसके लिए समर्पित है, सच में आपका हृदय किसके लिए समर्पित है। एक दूसरे को देख के बोलो, आंखों में आंख डाल के बोलो, अपना हृदय मैं बोल, एक दूसरे को देख के बोलो, अपना हृदय परमेश्वर को समर्पित करो। आप एक दूसरे के प्रति गवाही होती है, आप लोग एक दूसरे के सामने आपने
स्वीकार किया है आपने, है ना। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने हृदय को किसको समर्पित करना है ना? हम अपने आप को जांचे। कई बार लोगों का मन पैसे के लिए, करियर के लिए, फैमिली के लिए समर्पित है। गलत नहीं है, अच्छा है ना, ये जरूरत है। आपके लिए पैसा भी जरूरत है ना, आपका परिवार भी जरूरत है और आपका करियर भी जरूरत है, जरूरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए समर्पित करना। आप तो समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। अपने हृदय को किसके लिए समर्पित करना? परमेश्वर के लिए समर्पित करना। अपने जीवन को परमेश्वर ने हमें वचन दिया है पढ़ने के लिए, आपके पास बाइबल है ना। अगर आप सच में बाइबल नहीं पढ़ते, आप सोचो सच में मेरा जीवन क्या परमेश्वर के लिए समर्पित है? आप जब प्रार्थना नहीं करते, क्या आप सच में आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर आपका जीवन सच में परमेश्वर के लिए समर्पित है? जब हम छोटी चीज से नहीं सीखेंगे तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित है ना? एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी पास्टर जी बोलते ना कि वो अपनी गाड़ी की पार्किंग के लिए प्रार्थना करते हैं। किसके लिए प्रार्थना करते हैं? गाड़ी की पार्किंग के लिए। बहुत छोटी चीज है ना, गाड़ी की पार्किंग के लिए वो तो कहीं भी पार्क कर सकते हैं, अगर कहीं अगर नहीं मिलेगा तो। लेकिन फिर भी वो इस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे समर्पण है, परमेश्वर पे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे, मैं जा रहा हूँ, मुझे पार्किंग चाहिए, और प्रभु उनके लिए उपाय भी करता है ना। सच में क्या आप छोटी छोटी चीजों को लेकर परमेश्वर के लिए समर्पित है या नहीं है? समर्पित है आप लोग कि नहीं हो? है जवानों, आप लोग समर्पित है परमेश्वर के लिए कि नहीं है? अपने आप की रक्षा करें जवानों, सबसे महत्वपूर्ण जवानों, जवानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बोलना चाहता हूं, है ना। अपने आप की रक्षा करें, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, किसी मनुष्य को नहीं लेकिन परमेश्वर को समर्पित करें। अगर आप परमेश्वर को समर्पित नहीं करेंगे कुछ फायदा नहीं है ना। आप यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ पर ऐसे नहीं आ गए है ना, यहाँ पर आने का मकसद है, मकसद क्या है? परमेश्वर को समर्पित करना, अपने जीवन को किसको समर्पित करना? परमेश्वर को समर्पित करना। अभी हमने आशा राजा के बारे में मैंने आपको बताया, सुलेमान राजा के बारे में मैंने आपको बताया, उनका वो लोग बहुत बड़े राजा थे, बचपन से परमेश्वर के वचन को सीख रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोग बैकस्लाइड हो गए, फिर भी वो परमेश्वर के वचन से वो लोग भट गए। कई बार लोग ये सोचते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा, इससे मैं होता जाएगा मेरा। हाँ हो सकता है ना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जब तक आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, जब तक आप परमेश्वर को अपना पूरा हृदय नहीं देते, जब तक आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने हृदय में एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक कुछ फायदा। जब तक आप अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को एक्सपीरियंस नहीं करते, अनुभव नहीं करते, तब तक कुछ फायदा। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के लिए पूरा समर्पित करें, है ना। 1% 2% नहीं, है ना। मैं जब मैं वचन तैयार कर रहा था तो मैं सोच रहा था, मैंने सोचा पता नहीं बोलूंगा बुरा मारेंगे वचन, मैं सोचा था मन में तीन तरीके के निर्णय मेरे सामने आए जब मैं वचन को मेडिटेट कर रहा था। पहला 100% 100% परमेश्वर को समर्पित करना, ना, हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं, बुरा मत मानना ठीक है, हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जो जिनका हृदय पूरा परमेश्वर के लिए समर्पित है। कुछ लोग हैं जिनका शायद चल रहे कि पता नहीं समर्पित है कि नहीं है, कुछ लोग ऐसे कि हृदय ही नहीं है, मतलब समर्पित ही नहीं किया है, सोचा ही नहीं है ना, पता ही नहीं है समर्पित क्या होता है ना। मेरे मन में जब मैं सोच रहा था तो मेरे मन में तीन चीजें आ रही थी, परमेश्वर के लिए हमारा हृदय कैसा है, हम अपने हृदय को परमेश्वर के लिए कैसा कर रहे हैं। अगर हम अपने हृदय को परमेश्वर के लिए समर्पण नहीं कर रहे
माफ करना प्रभु आपकी ओर दृष्टि नहीं करेगा, है ना। प्रभु कैसे मन को देखता है? निष्कपट मन को देखता है। जब तक आपका मन परमेश्वर से नहीं लगा है, जब तक आपने अपना हृदय परमेश्वर को नहीं दिया है, जब तक आपने अपने हृदय को परमेश्वर के लिए समर्पण नहीं किया है, कुछ गड़बड़ है। क्या है? क्या है? जब तक पूरा मन परमेश्वर के इसलिए अपने आप को जांचना है ना, अपने आप को बोलना, अपने आप को देखना है, क्या मेरा हृदय परमेश्वर के लिए समर्पण है या नहीं है। अपने हृदय के लिए परमेश्वर से बात करें, अपने हृदय को समर्पण करें। सच में आप जैसे आपका शादी, अभी हमारे बीच में एक भाई का शादी हुआ था, अगर इनका हृदय परमेश्वर के साथ में 100%, अगर इन प्रभु के साथ में इनका हृदय परमेश्वर के साथ में समर्पण है, 100% परमेश्वर के साथ में समर्पण है, तो ये अपनी बीवी से भी क्या करेंगे? 100% प्रेम करेंगे। सच में कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, मेरी शादी नहीं हुई लेकिन बता रहा हूँ, मुझे परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे पता है, ना मैं पढ़ता हूँ। इसलिए अगर आपका हृदय परमेश्वर के लिए पूरी तरीके से समर्पित है, तो आप क्या करेंगे? अपनी बीवी से भी क्या करेंगे? 100% प्रेम करेंगे। मैं अपने पापा के बारे में आपको बताता हूँ, मेरे पापा पीछे बैठे हुए हैं, इसको बोल के मैं खत्म करूंगा। मेरे पापा को आप सब जानते हैं, पीछे बैठे मेरे पापा, उनका आपको लगता है शायद मेरे पापा गुस्सा नहीं करते हैं, आपको लगता होगा, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं सिमोन भैया जी मैंने बोल बार बोला, बोलते हैं उनको, बोलते हैं कि आपके पापा बहुत हम्बल है, बहुत बहुत नम्र है। हाँ मेरे पापा है, सच में मेरे पापा बहुत बहुत हम्बल है ना। आप मेरे घर पे भी रहोगे आप जानोगे, है ना। आप तो कभी कभी देखते हो, लेकिन मैं रोज अपने पापा को देखता हूँ ना। मेरे पापा हम्बल है लेकिन उनको गुस्सा भी बहुत आता है ना। मैंने कभी भी मम्मी के साथ में पापा को लड़ते हुए नहीं देखा, है ना। कभी पापा को, कभी भी मम्मी को गलत बोलते नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मैं उनसे सीखता हूँ, मैंने उनको देखा है, वो परमेश्वर के वचन को बहुत पढ़ते हैं, है ना, प्रार्थना करते हैं। शायद वो इतना वचन को नहीं जानते हैं शायद, है ना, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो सुबह 3 बजे उठकर, आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे पापा 2:30 बजे उठ जाते हैं, उठ के प्रार्थना करते हैं, 2:30 बजे उठ के प्रार्थना करते हैं, है ना, और बाइबल पढ़ते हैं। जब वो काम से आते हैं बाइबल पढ़ते हैं, जूस बेच के आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। मेरे पापा, मैं उनको देखता हूँ, 10-15 मिनट बाइबल नहीं पढ़ते वो। आपको लगता हो कि चलो 10-15 मिनट बाइबल पढ़ लिया, प्रार्थना कर लिया, हो गया। मेरे पापा 2 घंटे बाइबल पढ़ते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, मेरे घर पे आओ, 4-5 बजे आओ, मेरे पापा पढ़ते हुए आपको मिलेंगे। मेरे पापा बाइबल पढ़ते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे 1.5 घंटे पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैंने उनके हृदय को समर्पण परमेश्वर के लिए उनको देखा है ना। शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आप इतना शायद नहीं जानते हैं, लेकिन मैं उनके साथ में रहता हूँ, आप उनको हम जब मैं जानता हूँ, है ना, क्यों? उनसे मैंने सीखा है ना। इसलिए उनका प्रेम मेरी मम्मी के लिए बहुत है ना, उनका प्रेम मेरी मम्मी के लिए बहुत है, क्योंकि उनका हृदय किसको समर्पित है? परमेश्वर को समर्पित है ना। इसलिए अगर आपका हृदय परमेश्वर को समर्पित है, अगर आपने परमेश्वर को अपना हृदय दे दिया है, परमेश्वर को अपना पूरा हृदय दे दिया है, और एक बात मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। क्या देखता है परमेश्वर? परमेश्वर आपके हृदय को अंदर देखता है कि आप क्या सोच रहे हैं ना। आप शायद बोल सकते हैं मेरा हृदय परमेश्वर के लिए समर्पित है, शायद परमेश्वर आपके हृदय के अंदर देख रहा है, पता नहीं सच में मेरा हृदय, मैं बोलूंगा प्रभु मेरा हृदय समर्पित है, आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रभु मुझे देख रहा है, मेरे हृदय के अंदर देख रहा है कि मेरा हृदय कैसा है ना। इसलिए अपने हृदय को परमेश्वर के लिए समर्पित करें, है ना, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए समर्पित करें। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दे, और अपने हृदय को किसको समर्पित करें? परमेश्वर को।
इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, और मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा उसके बाद हमें कोरस गाएंगे। सब मैं देता हूँ प्रभु का, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपने वचन प्रभु को मेरे मन पे था प्रभु, मैंने लोगों को दिया प्रभु, से मैं धन्यवाद देता हूँ पिता। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें सिखाएं कि हम अपने हृदय को आपके लिए कैसे समर्पित करें, हम अपने हृदय को कैसे आपके लिए समर्पित करें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हम अपने हृदय को आपके सम्मुख में समर्पित करते हैं पिता, पूरे तरीके से अपने आप को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता, हमें सिखाए समर्पित करना प्रभु, क्योंकि प्रभु ये आपको भाता है परमेश्वर। प्रभु हम अपने जीवन को पूरे तरीके से समर्पित कर सके, मैं प्रार्थना करता हूँ। इस समय जो आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, जो वचन सुनाया गया है प्रभु, बोला गया है प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा लोग जीवन में कार्य करें, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ, सब कुछ आपके हाथ में सौंपता हूँ, यीशु के नाम से। हम सब खड़े हो